आज की विचार क्रांति में हम विचार करेंगे व्यक्तित्व के ऊपर। हमारा व्यक्तित्व, हमारा, हम मनुष्यों का जो व्यक्तित्व है वो कैसे बनता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे हमारे बनाने से बनता है, हमारे पुरुषार्थ से बनता है, या हमारी सोच से बनता है, या कि परिस्थिति से बनता है। इस दोनों पर क्या अंतर है? हम अधिकतर हम अपने जीवन में हमारी मन, हमारी बुद्धि, हम अपने कार्यों का जो डिसीजन है हम परिस्थिति के अनुसार लेते हैं। परिस्थिति जैसी होगी हम वैसे विचारते हैं। अधिकतर हम सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें जैसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी करेगा हम वैसे ही बनेंगे। साधारण तो साधारण भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि जैसी परिस्थिति होगी हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम प्रयत्न ना करें, अगर हम दृढ़ संकल्प ना लें, अगर हम घनघोर पुरुषार्थ ना करें तो जैसी परिस्थिति होगी हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। जैसे किसी खेत में अगर आप कोई विशेष बीज ना बोए, जैसे चना हो, मटर हो, कोई सब्जी हो, कोई भी आप ना उगाएं, और वहां पर जो घास पात होगी वो स्वाभाविक रूप से उगती चली जाएगी, फिर उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपके खेत में जो स्वाभाविक उसको धूप, पानी, जो कुछ भी मिलेगा उसकी वजह से वो घास इत्यादि, घास पात, वो स्वाभाविक रूप से उगती ही चली जाएगी, वो तो आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप उसे, उस खेत से घास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अपने पशुओं को खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि मुझे कुछ विशेष, कुछ औषधियों, कुछ फल, कुछ अन्नों की उपलब्धि हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उन बीजों को जो आपको चाहिए उनका आपने उसका बीजारोपण ही नहीं किया। तो वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा व्यक्तित्व तो साधारण रूप से तो बनता ही चला जाएगा। हमें जैसी परिस्थिति, हमें सामान्य रूप से जो हमें सुविधाएं मिलती हैं उसके कारण से हमारा जो विकास हो रहा है, हमारे शरीर का विकास, हमारी बुद्धि का विकास, हमारा स्वयं का जो हमारा आत्मविश्वास जो बनना है वो तो बनेगा ही। लेकिन जो हमें एक विशेष जो हमें उपलब्धि करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे, और विशेष उपलब्धि हमारे विशेष पुरुषार्थ से हो सकती है, हमारे विशेष दृढ़ संकल्प से हो सकती है। बिना दृढ़ संकल्प के हम नहीं कर सकते। और जो भी बाहर की परिस्थितियां हैं, जो भी बाहर की नकारात्मक जो परिस्थितियां हैं, हम साधारण आम तौर से बोल देते हैं कि कोई हमें अगर डांट दिया या हमें कोई अपशब्द बोल दिया तो उस समय तो गुस्सा आएगा ही। हम बोलते हैं, हम स्वाभाविक रूप से करते भी हैं, लेकिन अगर हम अपने मन में थोड़ी सी दृढ़ संकल्प ले लें कि गुस्सा करना ये मेरे कंट्रोल में है, मेरे बस में है, अगर मैं करना चाहूंगी कि गुस्सा मैं करूं तो मैं करूंगी, अगर मैं चाहूं कि मैं गुस्सा ना करूं, मेरे ऊपर कुछ फर्क ना पड़े तो नहीं पड़ेगा। मैं नहीं भी कर सकती और कर भी सकती हूं। मैं उस परिस्थिति से अपने आप को, मैं अपने आप को परेशान भी कर सकती हूँ और उस परिस्थिति से मैं अपने आप को निकाल भी सकती हूँ। तो इस जो हमारा विकास है तो ये कहाँ पर निर्भर होता है, परिस्थिति में या कि हमारे ऊपर? ये परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मनः स्थिति हमारे बस में होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये अंदर से हमें ये भान होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करती हूँ तो मैं अपने आप से, मेरे उसमें मेरा कंट्रोल है, मेरे सोचने में, मेरे विचारने में,
मेरा ही कंट्रोल है, किसी दूसरे का नहीं है। तो जब हमें समझ में आ जाए कि मेरे मन की, मेरी बुद्धि की, मैं अपने आप को मैं स्वयं चलाने वाली हूँ या मैं स्वयं चलाने वाला हूँ, हम जो भी कार्य करते हैं हम अपने स्वयं से कर सकते हैं, तो फिर हमें जो ये आत्मग्लानी, ये जो नकारात्मकता जो आती है, जो हम उत्साहहीन हो जाते हैं, तो वो हमसे दूर रहेंगे। और जब हमें आत्म स्वयं में अपना आत्म उन्नति जब हमें नहीं दिखती, तब हम नकारात्मकता की ओर जाते हैं। जैसे कि एक पानी, साधारण पानी आप जहां पर छोड़ेंगे तो जिधर उसकी गहराई होगी, जिधर उसकी ढलान होगी, उधर ही बह करके जाएगा। लेकिन आपको अगर उस पानी को किसी पहाड़ पर चढ़ाना है, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना होगा, उसके लिए ताकत लगानी होगी। बिना ताकत के वो आगे नहीं बढ़ सकता, बिना ताकत के वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। तो हमें अपने जीवन को, हमें अपनी आत्म उन्नति को अगर ऊंचा उठाना है, तो अपने विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, हमें उससे निपटना, हमें उससे उसको हराना, उसको परास्त करना हमें आना चाहिए। जब हम अपने अंदर ऐसी शक्ति का आभास करते हैं, अपने अंदर शक्ति का हम एहसास करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। अगर हम सोच लें कि नहीं, मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ, मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ, तो हम उसी समय हम नाराज, उसी समय हम निराश हो जाएंगे, उसी समय हम अपनी परिस्थितियों में से, हम अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे। तो हम अपना विकास हम अपने विचारों से करते हैं, और विचार, जो विचार होंगे उसी से हम अपना कर्म करते हैं। तो हमें हमारा विकास, हमारा व्यक्तित्व विकास, हमारा स्वयं का विकास, जो कुछ भी है वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम जैसे विचार करेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे, और हमें इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इस संसार में हम रहते हुए, इस जगत में हम रहते हुए और परमपिता परमात्मा की अनुभूति हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हमारा विकास उसी की बदौलत है। अगर हम, हमें परमात्मा का वास है और परमात्मा में हमारा वास है, जैसे कि एक समुद्र में समुद्र की एक बूंद भी उस समुद्र का की ही बूंद है, वो अलग नहीं है समुद्र से। समुद्र में जो बुलबुले उठते हैं वो समुद्र के ही पानी के बुलबुले होते हैं। वैसे ही इस संसार में, इस सृष्टि पर जो परमपिता परमात्मा है, जगत करता है, जगत नियंता है, उसी के हम बुलबुले हैं। हमारा कुछ दूसरा अस्तित्व नहीं है, हम उसी के ही हैं। और जब वो हमारा है और हम उसके हैं, तो हर पल हमें ये एहसास होना चाहिए, हमें ये भान होना चाहिए कि हम उसी के लिए कार्य करें, उसी के लिए हम कार्य करते हुए, और जो भी कार्य करें उसकी पूजा समझ कर करें, और जो भी हमें उससे फल मिलता है उसका प्रसाद मान करके हम उसको ग्रहण करें। जब हमारे अंदर ऐसी सोच होगी, जब हमारे ऐसे विचार होंगे, तो हम कभी फिर निराश नहीं होंगे। हमें सबसे, मनुष्यों का जो सबसे ज्यादा हम अपने मार्ग से भटकते हैं, क्योंकि हमें उपदेश तो हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, और जो हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक वो हमें स्वयं भी पता है। जो वेदों में कहा गया है, धर्मम चर सत्यम वदा, तो सत्यम वदा धर्मम चर, तो सत्य बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो, ये तो हम हर व्यक्ति को, हर एक एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को पता है।
लेकिन फिर भी हमें उसको बार बार क्यों दोहराना पड़ता है, बार बार उसका रिपीटेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम स्वयं पर स्थित नहीं होते। तो हमारे जो जीवन का विकास है, हमारा स्वयं का जो विकास है, हमारे स्वयं के विकास से ही हमारे इस संसार का विकास निर्भर करता है। अगर हमारा स्वयं का विकास नहीं है तो हम इस जगत का भी विकास नहीं कर सकते। पहले स्वयं का विकास करना होगा। अगर हम स्वयं का विकास नहीं कर पाते तो फिर हम अपने के अलावा हम और किसी का भी, दूसरे का भी की मदद नहीं कर सकते। अगर हम स्वयं का विकास नहीं कर सकते तो हम फिर दूसरों की भी मदद नहीं कर सकते। हम दूसरों के लिए तो सोचते हैं, क्योंकि ये ऋषियों का देश है, हमारा देश। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे त्यागी, तपस्वी, ऐसे ऋषि मुनियों के इस देश में हमारा जन्म हुआ है। और क्योंकि ये भारत देश त्यागियों का देश है, ये सम्मान करता है, ये उसका सम्मान त्यागियों का ही करता है। जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जो पुरुषार्थी हैं, तो ये देश उन्हीं का गुणगान करता है। ये धर्म ऋषियों का बनता है, ये धर्म साधुओं का बनता है, ये धर्म सज्जनों का बनता है। अगर उनके जीवन में त्याग ना हो, तपस्या ना हो, साधना ना हो, तो फिर ये देश किससे सीखेगा? तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में जितना हो सके उतना अपना पुरुषार्थ करें और अपना स्वयं का विकास करें। इस स्वयं के विकास से यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि हम अपने स्वार्थ ही बने। जो एक आम भाषा में, एक जो जगत में एक जो फैला हुआ जो एक शब्द है कि स्वार्थी शब्द को गलत समझा जाता है, तो स्वार्थी ऐसा नहीं कि केवल हम अपने बारे में ही सोचें। अगर कुछ पदार्थ है या कुछ धन है तो केवल हम अपने बारे में ही सोचें, अपने इस शरीर के बारे में ही सोचें, वो भी अज्ञानतावश। कुछ तो अपने शरीर के बारे में, अपने मन बुद्धि के बारे में भी नहीं सोच पाते। सत्य क्या है, सही क्या है, विद्या क्या है, विद्या युक्त जो विचार करना, ज्ञान युक्त जो सोचना, वो भी नहीं सोच पाते। क्योंकि जब हमारे शरीर रोग से ग्रसित तो होता है, तो जब हम अपने ऊपर अत्याचार करते हैं, अपनी दिनचर्या, अपना आहार जब हम अव्यवस्थित रखते हैं, तभी तो ये हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त तो होता है। अगर हम इसका खान पान, इसकी व्यवस्था, इसकी दिनचर्या अगर हम सही रखेंगे तो ये हमारा शरीर कभी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। हमारा शरीर जो भी बचपन से तो भगवान ने हमें स्वस्थ दे करके भेजा है, हमें उसने तो स्वस्थ दिया है, लेकिन इसमें जो कुछ भी गड़बड़ी होती है वो हमारी लापरवाही से होती है। हम तो सोचते हैं कि हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम अपने लिए भी अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए हमें सात्विक विचार रखना है। अगर हम सात्विक विचार कर रखेंगे, सात्विक सोचेंगे, तभी तो हमारे कर्मों में सात्विकता आएगी, और जब हमारे कर्मों में सात्विकता आएगी तब हमारा जीवन भी सात्विक बनेगा। अगर हम कोई लक्ष्य रख लिए, कोई भौतिक लक्ष्य हमने ले लिया, बहुत सारे लोग लेते भी हैं और उस तक मुकाम तक पहुँचते भी हैं, किसी एक लक्ष्य को ले लिया कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है, इस स्थान तक पहुंचना है, तो वो उस स्थान तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो अपने अंदर का अगर आत्म विकास नहीं करते, आत्म उन्नति नहीं करते, तो फिर उस स्थान तक पहुंचने के बाद भी उन्हें लगता है कि कुछ नहीं मिला। तो जब हमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें समय समय पर अपने विचारों को, अपनी परिस्थिति को, अपने मित्रों को हमें परखना चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरा समय कैसा है। अगर हम इन समय का, इन परिस्थिति का हम अच्छे से विचार करते रहेंगे तो हम अपने जीवन में, हमें जो आत्मग्लानि होती है उससे हम बचे रहेंगे।
तो सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी होती है, हम सबसे ज़्यादा जो विचलित होते हैं, वो हमें खाने पीने या रहने से नहीं, हमें जो आर्थिक, जो रोज की, जो हमें दो वक्त की रोटी या खाने के लिए, रहने के लिए जो कुछ धन की आवश्यकता होती है, उससे हम विचलित नहीं होते। वो तो आज के युग में हर इंसान को, हर एक प्राणी को उपलब्ध हो जाता है। किसी को 4 टाइम का भोजन उपलब्ध हो जाता है, तो किसी को 2 टाइम का, या तो किसी को 1 टाइम का, आखिर दिन में किसी न किसी 1 टाइम तो भोजन उसको मिल ही जाता है। तो जो व्यक्ति आज हम परेशान होते हैं, और जो व्यक्ति परेशान होता है, वो अपनी स्थिति को देख करके वो भोजन के लिए, वो रहने के लिए, आवास के लिए, वस्त्रों के लिए परेशान नहीं होता। वो इसलिए परेशान होता है कि मैं अपने जीवन में, इस जीवन में रहते हुए मैंने किया क्या, मैंने किसके लिए, मैंने परोपकार के लिए, मैंने परमार्थ के लिए क्या किया, मैंने अभी तक क्या कर पाया मैंने। अगर जब वो ऐसा विचार करता है, तभी वो परेशान होता है। और हमें इससे वक्त रहते ही हमें इससे अगर दूर जाना है, हमें इन परिस्थितियों से, इन परेशानियों से अगर हमें निकलना है, तो हमें सात्विक विचार करने होंगे, और जो कुछ भी हम सोचें और जो कुछ भी हम करें, वो सब कुछ परमपिता परमात्मा ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जगत, ये सब कुछ, जो हमें बोलने की शक्ति, जो हमें करने की शक्ति, जो हमें सोचने की शक्ति, जो कुछ भी देता है, वो परमपिता परमात्मा ही देता है। और इसको सोचने की, हमें उसके प्रति आदर व्यक्त करने की, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की हमारे अंदर सामर्थ्य कब आएगा, हम कब सोच पाएंगे कि वो वही हमें देने वाला है। जब हम एकांत, कुछ समय एकांत में बिताएंगे, केवल और केवल उसी के ध्यान में, उसी के भजन में, उसी के स्मरण में जब हम बिताएंगे, तब हमें आत्म की जो ग्लानि होती है, अपनी आत्म ग्लानि होती है, उससे हम बच पाएंगे। जो हम अपने आप को कोसते हैं, जब हम अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तभी हम देखते हैं जब हम इस संसार में ही लिप्त रह जाते हैं, इस संसार के बाह वातावरण में ही लिप्त रह जाते हैं, तभी हमें अंदर की बेचैनी होती है। हमने जो ये बाह वातावरण, तो जब हम अपने आप से जब हम लड़ते हैं, हम अपने आप से जब अपनी आत्म उन्नति करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पुरुषार्थ करने वाला है, पुरुषार्थ योग्य है, पुरुषार्थ करने के योग्य है, जिसे हमें पुरुषार्थ करना है, जिस विषय पर, वो है स्वयं पर, स्वयं पर, स्वयं से संघर्ष करना। हम देखते हैं आसपास, अपने आस पड़ोसों में देखते हैं, हम हर दिन कोई ना कोई एक दूसरे से, कोई पड़ोसी से, कोई सामने वाले से, अपने घरों में एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। तो दूसरे से वाद विवाद करना, दूसरे से संघर्ष करना एक सरल होता है, लेकिन स्वयं से संघर्ष करना, स्वयं को, अपने आप को देखना, अपने आप को समझाना, सबसे कठिन काम होता है। अगर कहा जाए तो बहुत सरल भी होता है, अगर हम इस पर काम करते रहे तो। अगर हमने इस विषय पर कभी कार्य ही नहीं किया हो कि मैं कौन हूं, जो मैं 2400 घंटे जो मैं बोलता रहता हूँ कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये ऐसा मैंने कर दिया, तो आखिर मैंने क्या किया, आखिर मैं कौन हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। और जो हम निराश हो जाते हैं, तो कौन निराश हो जाता है, जब हम उत्साह से भर जाते हैं, तो कौन उत्साह से भर जाता है। यार थोड़ा सा डीप से सोचने वाली बात है कि हम कौन हैं आखिर, हमारा कुछ अस्तित्व तो है। जैसे समुद्र अगर सूख जाए, 1 सेकंड के लिए अगर सोचे आप कि समुद्र पूरा सूख गया है, तो समुद्र, फिर आप उसमें पानी खोजने जाएंगे, पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
क्योंकि समुद्र नाम किसका है? जो उसमें अंदर भरा हुआ जो जल है उसी का तो नाम है समुद्र। तो जो इस संसार में हम जो सब कुछ हम इसमें विचरण कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कह रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, तो आखिरकार इसको करने वाला, मूलतः इसको शक्ति देने वाला, इसको ऊर्जा देने वाला कौन है? किसकी बदौलत ये हम कह पा रहे हैं कि मैंने किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया? अगर हम थोड़ा ठहर करके सोचेंगे, हम ऐसे भीड़ में चलते चलते नहीं सोच पाएंगे। हम जब ठहर करके सोचेंगे तभी सोच पाएंगे। अगर हम एक रूम में लगी हुई जो घड़ी होती है उसकी टिक 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 की आवाज हम कब सुन पाते हैं? जब रूम में, जब उस कक्ष में पूर्ण शांति होती है। और जब तक उस कक्ष में, उस प्रकोष्ठ में, उस रूम में जब तक हलचल मची रहती है, तब तक हम उसकी जो एक टिक टिक की आवाज है, उस घड़ी की टिक टिक की आवाज है, हम नहीं सुन पाते। वैसे ही अगर हम हर दम, हर समय अपने हलचल में ही रहेंगे, बाहर के वातावरण की हम हलचल में ही जूझे रहेंगे, तो हमें अंदर की जो आवाज है, ईश्वर की जो पुकार है, उसकी जो याचना है, उसकी जो आराधना है, उसको हम नहीं सुन पाएंगे। अगर हम उसको नहीं सुन पाएंगे तो फिर हम अपने आप से वंचित रह जाएंगे। और हम सब कुछ करते हुए भी हमें ये महसूस होगा, ये हमें आत्मग्लानी होगी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी तो कुछ कर ही नहीं पाई, मैं तो मेरा जीवन, मेरा समय सब व्यर्थ ही जा रहा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो किसी के काबिल ही नहीं है, हम तो किसी के लायक ही नहीं। ऐसी हमें जब अंदर से एक भावना उठेगी तो हम सोचेंगे कि हम अभी अंदर से पूर्ण खाली हुए, हम भरे नहीं हैं, हम तो सिर्फ बाहर से ले रहे हैं, जो कि बाहर ही समर्पित हो जाता है। इस सब से बचने के लिए हमें अपने आप से, अपनी आत्मग्लानी से बचने के लिए हमें ईश्वर की हमें छाया में, ईश्वर की हमें अनुकंपा में हमें रहना होगा। और उसकी अनुकंपा, उसकी छाया, उसका निवेदन, उसकी आज्ञा तभी मिलेगी जब हम अंदर से शुद्ध होंगे, अंदर से हम जब पवित्र होंगे। पवित्रता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम किसी के प्रति क्यों ईर्ष्या द्वेष करें, क्यों राग रखें, क्यों इच्छा रखें, किसी से अपेक्षाएं क्यों करें? एक अपेक्षा भी बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। हम किसी से, अन्य से अपेक्षाएं करते हैं कि वो हमें, उससे हमें ये वस्तु मिल जाए, उससे हमें सम्मान मिल जाए, उससे हमें प्रेम मिल जाए। हम हर चीज के भूखे रहते हैं, क्योंकि जिससे हम याचना करते हैं वो भी तो किसी न किसी से मांग ही रहा है। जब वो भी किसी से मांग रहा है, वो हमें क्यों देगा, कैसे हमारी पूर्ति करेगा? जब स्वयं की, जो स्वयं अपनी आप की पूर्ति नहीं कर सकता, तो वो हमारी पूर्ति कैसे करेगा? तो हमें ईश्वर से जो कुछ भी याचना करनी है, निवेदन करना है, तो उससे करें। वही हमारा सुनने वाला है, वही आखिरकार हमें सब कुछ देने वाला है। जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया है और आगे देगा, उसी के भरोसे सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छूटेगा। परमपिता परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटेगा। इसलिए अपने जीवन में स्थान देना है तो केवल और केवल एक परमपिता परमात्मा को स्थान दो, और किसी को नहीं। शांति 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 ही।